दोस्तों आज बात करेंगे अरामिक परफ्यूम्स के सीके वन इंस्पायर्ड परफ्यूम के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इस ब्रांड के 1 मिलियन इंस्पायर्ड अतर का रिव्यू किया था, उसे मैंने ऐसे ही रेंडमली डिस्कवर किया था अमेजोन के ऊपर, बट दैट प्रोडक्ट रियली केम आउट वेरी वेल और उस वीडियो को एंड प्रोडक्ट दोनों को आपने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया था। बट उसी वीडियो के जरिए मैंने कंपनी को एक एडवाइस दिया था दैट देयर प्रोडक्ट्स नीड सम इम्प्रूवमेंट, नॉट एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स, देयर पैकेजिंग नीड सम इम्प्रूवमेंट। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी उस एडवाइस को कंपनी ने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया। इन्होंने अपनी पैकिंग को इम्प्रूव ही नहीं बल्कि डिवेलप भी बहुत ज़्यादा किया है एंड दे हैव कम अप विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमाइज्ड पैकिंग थ्रू द रेंज ऑफ अरामिक लग्जरी। और इनकी इन पैकेजिंग को मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं, मेरे पास है इनके दो कस्टमाइज्ड पैकिंग के बॉक्सेस, एक तो है वुडन बॉक्स और दूसरा है लेदर बॉक्स। अगर सबसे पहले वुडन बॉक्स की बात करें तो इसका लुक एंड फील बहुत ज़्यादा अच्छा है और एक बहुत ही गुड क्वालिटी के वुड का बना हुआ है। इसका अगर आप फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट के ऊपर आपको इनकी ब्रांडिंग दिख जाएगी और जो इन्होंने इस रेंज को नाम दिया है वो दिया है अरामिक लग्जरी। दूसरा जो पॉइंट है इस बॉक्स का वो ये है कि ये एक मैग्नेटिक बॉक्स है, तो जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको इसके अंदर एक 6 ml का रोल ऑन वायल दिखेगा। तो जैसा इसका नाम है कस्टमाइज्ड पैकिंग, तो आप इनकी पैकिंग को भी कस्टमाइज करवा सकते हैं और इनकी फ्रेग्रेंसेस को भी कस्टमाइज तौर पर चूज कर सकते हैं, जो कि आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर जो इनकी रेंज ऑफ फ्रेग्रेंसेज है वो सारी की सारी देखने को मिल जाएगी। अब इनका जो दूसरा बॉक्स है, इट इज़ काइंड ऑफ अ ज्वेलरी बॉक्स और ये भी एक वुडन बॉक्स ही है, बट इसके ऊपर जो रैपिंग हुआ है वो इसको लुक एंड फील देता है लेदर का। अब अगर इसका आप फ्रंट देखेंगे तो इसका फ्रंट भी सेम है वुडन बॉक्स की तरह, जिसके ऊपर फ्रंट के ऊपर ही आपको इनकी ब्रांडिंग दिख जाएगी। एंड अगेन, दिस इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक बॉक्स। जब आप इसे खोलते हैं तो इसको खोलते ही आपको इसके अंदर एक फोम की पैकिंग दिखती है और फोम की पैकिंग के अंदर ही इन्होंने एक 6 ml का रोल ऑन वायल रखा हुआ है और इसके जो इसका लिड है या जो कैप है इसके अंदर ही आपको उस फ्रेग्रेंस का नाम भी देखने को मिल जाएगा। ये तो हुई इनके इत्रों और कस्टमाइज पैकिंग की बात, लेकिन जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है दैट अरामिक परफ्यूम्स हैव कम अप विद अ होल न्यू रेंज ऑफ EDPs, या ये कह सकते हैं दे हैव कम अप विद अ होल न्यू रेंज ऑफ स्प्रे परफ्यूम्स एंड एज पर कंपनीज क्लेम दे हैव यूज 30-35% परफ्यूम ऑयल कॉन्सेंट्रेशन। तो इनका ये दावा सही है या गलत, आइए जानते हैं इनके एक परफ्यूम CK1 इंस्पायर्ड के थ्रू। तो शुरुआत करते हैं इनकी बॉक्स पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन से। तो जैसा आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में जो बॉक्स है वो एक बहुत ही बेसिक पेपर बॉक्स है जिसके फ्रंट पे आपको ब्रांडिंग दिख जाएगी, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट दिस बॉक्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द फ्रेग्रेंस। तो जब आप इस बॉक्स को खोलते हैं, इस बॉक्स को खोलने के बाद अंदर से आपको देखने को मिलता है एक बॉटल जो कि बहुत ही एक बेसिक ग्लास बॉटल है और इसके ऊपर भी जो आप देखेंगे फ्रंट के ऊपर इनका जो ब्रांडिंग हुआ हुआ है, यहाँ पे ऊपर आपको इनका नाम देखने को मिल जाएगा, नीचे इसका कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ इसका क्वांटिटी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर इनके पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन की बात करूं, देर इज नथिंग स्पेशल और नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बट उस चीज को तवज्जो ना देते हुए अगर मैं बात करूं इनके परफ्यूम की, जो कि है मेन क्रक्स की, इसकी खुशबू कैसी है। अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो जो सबसे पहला इंप्रेशन आता है इनकी फ्रेग्रेंस का वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इस परफ्यूम के टॉप नोट की स्ट्रेंथ लाए करती है इनके सिट्रस, एरोमेटिक और फ्लोरल नोट्स में। आप ये कह सकते हैं इट इज़ लिटिल बिट सिमिलर विद ओरिजिनल CK1, लेकिन जो अरामिक का CK1 इंस्पायर्ड परफ्यूम है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग लगेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जैस्मिन नोट्स। ये कह सकते हैं कि जो इसका जैस्मिन का नोट है वो थोड़ा सा ज़्यादा ओवरपावरिंग है इन द टॉप नोट फॉर इनिशियल 20 मिनट्स, लेकिन जो इस फ्रेग्रेंस का असली जलवा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है ड्राई डाउन से। तब आपको इसमें से फूलों की महक आएगी जो कि पहले से ही प्रेजेंट थी जैस्मिन के नोट के कारण, बट इसके ड्राई डाउन में आपको और बहुत सारे और प्लेजेंट स्मेलिंग फ्लावर्स को स्मेल करने का मौका मिलेगा या उसके नोट्स को स्मेल करने का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। उन फ्लावर्स के नाम है रोज, लीली एंड फ्रेसिया विद वुड्स एट द बेस। और वुड्स की भी अगर बात करूं तो इसके अंदर सैंडलवुड और सिदारवुड की प्रोमिनेंस आपको बेस नोट में बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, जो कि इसको बनाता है एग्जैक्ट स्मेल लाइक ऑफ CK1। तो अगर इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो एक बहुत ही बढ़िया फ्लोरल और वुडी फ्रेग्रेंस है। प्रोजेक्शन इसका बहुत ही ज़्यादा हाई है फॉर फर्स्ट 2 आवर्स, लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करेंगे और आपकी सराउंडिंग्स को बहुत अच्छा और खुशनुमा भी बनाएगा। और जो सबसे अच्छी चीज़ है इस फ्रेग्रेंस की वो है इसकी लॉन्जेविटी।
बिकॉज जो ओरिजिनल CK1 है उसमें कहीं ना कहीं वो लॉन्जेविटी की शिकायत हमेशा रहती है, दो इट्स अ वेरी गुड यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। और जो भी लोग इसको लगाते हैं CK1 को, वो उसको पसंद करते ही करते हैं। आप ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मास एक्सेप्टेबिलिटी है, एंड प्रैक्टिकली आई हैव नॉट सीन एनीबडी ऑन दिस प्लैनेट हु डिसलाइक्स दैट फ्रेग्रेंस। आप जिसको भी वो फ्रेग्रेंस स्मेल करवाएंगे उसको CK1 की फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन उसी के साथ एक कॉमन रिस्पॉन्स आपको हर एक यूज़र से मिलेगा, वो ये कि काश इसकी जो लॉन्जेविटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती। तो वो जो शिकायत है, वो जो अरामिका CK1 इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस है, उसमें वो शिकायत बहुत अच्छे तरीके से दूर होती है। बिकॉज जो इस फ्रेग्रेंस की लास्टिंग है वो है बीस्टली लास्टिंग। अगर आप इसकी लास्टिंग की कपड़ों की बात करें कि कपड़ों के ऊपर कितनी देर चलता है, तो इसकी जो लास्टिंग कपड़ों के ऊपर आती है वो आती है 12 आवर्स प्लस, जो कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे बहुत देर से एक तमन्ना थी कि CK1 का कोई एक ऐसा अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव आए, जहाँ पर जो इनकी सिर्फ एक शिकायत है लॉन्जेविटी की, वो कोई इंसान उसको आके दूर कर दे। तो मैं यहाँ पर अरामिक परफ्यूम्स को बहुत ही बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, बिकॉज समवेयर दे हैव मैनेज्ड इट वेरी वेल और बहुत सक्सेसफुली इन्होंने उस लॉन्जेविटी के कंसर्न को दूर कर दिया है। तो अब बात करें कि इतनी बढ़िया फ्रेग्रेंस की प्राइस क्या है। तो जो इसकी 100 ml की प्राइस है वो है ओनली ₹699। बट देर इज वन मोर सरप्राइज फॉर परफ्यूम बीस्ट व्यूअर्स, और वो ये है कि अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, विच इज परफ्यूम बीस्ट सिंपल, आपको सिर्फ जो कूपन कोड है इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर अप्लाई करना है, वो है परफ्यूम बीस्ट। बट ध्यान रहे कि जो ये कोड है इट इज ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट 100 शॉपर्स। तो आप देरी मत कीजिए, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं और CK1 का मजा लेना चाहते हैं बहुत कम पैसों में, तो आप इसको जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिए, बिकॉज आफ्टर 100 शॉपर्स ये कोड वैलिड नहीं रहेगा। अब बात करें कि ये ओरिजिनल CK1 के कितना क्लोजली स्मेल करता है, तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये फ्रेग्रेंस है ये मेरे हिसाब से 85-90% के आसपास क्लोजली स्मेल करता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इसका टॉप नोट थोड़ा सा हार्श है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल CK1, बिकॉज ओरिजिनल CK1 की शुरुआत है या जो स्टार्ट टॉप नोट है वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, सूदिंग है, प्लेजेंट है। बट आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ मिसिंग दिखेगी अरामिक के CK1 इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस से। प्रैक्टिकली इसका जो ड्राई डाउन का एक्सपीरियंस है वो मोर और लेस सेम है, या आप ये कह सकते हैं एग्जैक्टली स्मेल लाइक CK1 का। Now let's talk about the rating of this fragrance, कि ये fragrance different parameters के हिसाब से कैसे रेट होती है। तो अगर इसकी packaging या presentation की बात करूं, तो यहां मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इसकी जो packaging है या presentation है, it is nothing extraordinary, एक decent type सी है। So here this fragrance bags a score of 6-7/10. अगर quality of fragrance की बात करूं, तो वहां पे मैं इस fragrance को 8/10 दूंगा, because जैसा company का claim है 30-35% perfume oil concentration इन्होंने इसके अंदर use किया है, that is kind of same। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं, तो परफॉर्मेंस इसकी है 10/10, बिकॉज ये फ्रेग्रेंस 12 घंटे से भी ज्यादा लास्ट करती है। और प्राइस की भी अगर बात करूं, तो प्राइस मुझे ऐसा लगता है करीबन 8/10 है, बिकॉज जो इसके मार्केट में बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं थोड़े से कम प्राइस में भी अवेलेबल है, बट अगेन उन ब्रांड्स के अंदर या उन फ्रेग्रेंसेस के अंदर कहीं ना कहीं लॉन्जेविटी का इशू है। सो स्टिल आई एम गिविंग दिस फ्रेग्रेंस अ स्कोर ऑफ 8/10। तो अगर मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं, इट्स 100% यस फ्रॉम माई साइड, बिकॉज जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक बहुत ही बढ़िया क्लोन है या अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव है CK1 का, विच इज़ द मोस्ट डिजायरेबल एंड मोस्ट पॉपुलर फ्रेग्रेंस फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो, जो कि अरामिक परफ्यूम्स के CK1 इंस्पायर्ड परफ्यूम के ऊपर बेस्ड था, आपको पसंद आया होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ याद दिलवाना चाहता हूँ, और वो है मेरा कूपन कोड। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं, जो कि है परफ्यूम बीस्ट, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा इनकी एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर। बट ध्यान रहे कि वो सिर्फ और सिर्फ पहले 100 शॉपर्स के लिए ही अवेलेबल है। तो इससे पहले मैं आपकी इजाज़त लूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू से, महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।